पैन कार्ड हमारे काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक होता है। इसके बिना हम लगभग अधिकांश काम नहीं कर पाते। अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना हो तो वहाँ पे पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, या फिर अगर बैंक खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करना हो तो वहाँ भी आपको पैन नंबर की आवश्यकता होती है, या फिर अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इनकम टैक्स पे करने में भी पैन कार्ड का काफ़ी अच्छा खासा रोल है। इनकम टैक्स से संबंधित दिक्कतों से भी हमें पैन कार्ड बचाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड बनाएं। अगर आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप घर बैठे कुछ ही सेकेंड में अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको 1 रुपये भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं बिना समय गंवाए। हम अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ये काम आप अपने मोबाइल फोन से भी आसानी से कर सकते हैं। ब्राउजर में हमें टाइप करना है ई फिलिंग। देखिए हमने टाइप किया था, सबसे ऊपर ही आ गया, तो हम एंटर कर देंगे। हमारे सामने सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट ओपन होगी, www.incometaxindiafilling.gov.in। हमें इसी वेबसाइट पे विजिट करना है। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये देख लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। हमें यहाँ पे नीचे आना है। ये देखिए क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन है, उसके नीचे काफ़ी सारे लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें से एक है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार। हमें इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप आधार बेस पे पैन कार्ड बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाता है, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे उसको। नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, गेट न्यू पैन का और दूसरा चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन का। पहले पे क्लिक करके हम नया पैन कार्ड बना सकते हैं। दूसरे पे क्लिक करके पैन कार्ड बनाने के बाद हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पहले गेट न्यू पैन पे क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ पे 5 स्टेप में अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। पहले में हमें आधार नंबर डालना होगा, दूसरे में हमें वैलिडेट OTP करना होगा, तीसरे में हम आधार डिटेल को वैलिडेट करेंगे और चौथे में हम ईमेल ID को भी वैलिडेट करेंगे और पाँचवीं में हमारा पैन कार्ड फाइनली बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, इस बॉक्स में हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, जैसा है सेम टू सेम इस नीचे वाले बॉक्स में डाल देंगे। अगर ये कैपिटल में है तो है कैपिटल में डालेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसे आप पढ़ के कन्फर्म करेंगे। सबसे पहला ये है कि आपके पास पहले से पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड बना पाएंगे। तीसरे नंबर पे ये है कि आपके आधार कार्ड पे पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों के आधार कार्ड पे सिर्फ साल ही होता है उनके जन्मदिन का, जैसे 1980 या 1995, लेकिन यहाँ से पैन कार्ड बनाने पर आपके आधार कार्ड पर पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मतलब दिन और महीना साल तीनों ही होने चाहिए। चौथे नंबर पर कि आप नाबालिग नहीं होने चाहिए, तभी आप पैन कार्ड यहाँ से बना पाएंगे। और यहाँ पे आई हैव रीड कंडीशन एंड टर्म है, यहाँ पे इनके टर्म एंड कंडीशन को भी आप पढ़ सकते हैं पांचवें नंबर पे। चलिए यहाँ पे हम आई कन्फर्म दैट पे क्लिक कर देते हैं और जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देख लीजिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप में हमारे मोबाइल नंबर पे जो कि रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, उस नंबर पे हमारे OTP आया होगा जो कि इस बॉक्स में डालना होगा। चलिए हम OTP को डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे कंसेंट देना पड़ेगा, इस बॉक्स में हम टिक कर देंगे और वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाएगी जिसका हम पैन कार्ड बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आधार नंबर, ये सब पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जो भी हमारा एड्रेस है सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आई एक्सेप्ट दैट पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे इस बॉक्स में। नीचे कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आप एक्सेप्ट करेंगे कि हमने जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं वो सारे करेक्ट हैं और इसके पहले हमारे पास कोई पैन कार्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके पास पैन कार्ड पकड़ा गया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी जो कि 10,000 रुपये का होगा। तीसरे नंबर पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि हम अपना पैन कार्ड आधार के बेस पे बनवा रहे हैं। चलिए सब कुछ एग्री करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में टिक करेंगे और सबमिट पैन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे चारों स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 स्टेप थे जिसमें से एक ईमेल ID का ऑप्शन नहीं आया। नीचे लिखा है थैंक यू आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स। यहाँ पे पैन रिक्वेस्ट नंबर दिया गया है जिसे आप कॉपी कर लेंगे या फिर इसको याद कर लेंगे।
और यहाँ पे नीचे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करके इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड बना है या फिर नहीं बना, या फिर हम इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद हम इसी वेबसाइट पे आएंगे और इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, जो कि हमने अभी आधार नंबर डाल के बनाया था पैन कार्ड। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम नीचे कैप्चा डालेंगे, जो कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही डालेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में ही डालेंगे। आधार और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देख लीजिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी क्या होगा, जो कि हम इस डब्बे में डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देख लीजिए हमने स्टेटस चेक करने के लिए आधार कार्ड जो डाला हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल, मतलब हमारा पैन कार्ड बन के तैयार हो चुका है। आप फ्रेंड्स हमारे लैपटॉप में टाइम भी देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में हमारा पैन कार्ड बन के तैयार हो गया। सबमिट करने के बाद कुछ ही सेकंड लगे होंगे। उस पैन कार्ड को अब यहाँ पे हम क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम डाउनलोड पैन पे क्लिक कर देते हैं। ये देख लीजिए हमारा पैन कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, फाइनली डाउनलोड हो ही चुका होगा। चलिए यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं इसको हम। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। मान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1980 है तो आप 25/01/1980 डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पैन नंबर आ चुका है। थोड़ा सा हम इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे साइन भी करने की जरूरत नहीं है, डिजिटली साइन भी कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें एक बारकोड मिल जाता है जिससे स्कैन करके पूरी डिटेल्स जान सकते हैं हम। और यहाँ पे नीचे करेंगे तो कुछ नहीं है, बाकी जैसे पैन कार्ड हमें मिलता है वो पैन कार्ड पूरी कंप्लीट मिल चुकी है। यहाँ पे आप कट करके इसको प्रिंट करवा के लैमिनेट करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ऐसे और यूजफुल वीडियोज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।